नया दिन नया सरप्राइज 8 डेज टू गो फॉर माय बर्थडे, तो आज का सरप्राइज ये आज का बड़े सिंपल है। आज का सिंपल ही मतलब बट क्यूट सी चीज है, उनो है, यू नो, रिमोट कार है, चाय है, यहाँ पे पहले बना के दी है, एंड देन वो कैरम छोटा सा। तो ये वो सिंपल और छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे शोएब को मैंने एकदम ऐसे स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड होते देखा। चाय तो ऑब्वियसली आप सब भी जानते हैं, और उनो ये इतना खेलते थे, उनो और कैरम की मतलब महफिल जमती थी एक टाइम पे हमारे घर पे। और कैरम में ये लड़के ऐसे लिटरली सीरियस वाले झगड़े हुए इन लोगों के बीच में। ये पूरा ग्रुप जब बैठ के घर पे कैरम खेला करता था, दे हैड सीरियस फाइट्स। और मैं जब नेक्स्ट डे उठती तो अरे कल इसका झगड़ा हो गया क्यों, अरे उसने वो उसमें चीटिंग कर दी, उसने वो ब्लैक वाइट, अरे बाप रे। तो मतलब ये चीजें, एंड रिमोट की कार, ये जब शोएब ने इसे कमाना शुरू किया था, जब हम शुरू घूमने मॉल्स वगैरह में जाने लगे थे, उस वक्त इतनी बड़ी गाड़ी ली थी ना अपने अपने लिए, तो ही हैज बीन दैट क्रेजी अबाउट, रेहान के लिए, नाम के लिए खुद ही खेलते थे, ही हैज बीन दैट क्रेजी अबाउट दीज फ्यू थिंग्स। तो उस दिन पहले दिन जो आप लोगों ने देखा, जब हम मैं भटकने गई थी कि मैं क्या लूं, तो हमें हम हैमलीज में गए और मैंने उनो उठाई, उसके बाद कैरम देखा, उसके बाद अभिषेक का आइडिया आया कि कार, मैं बोला हाँ चलो ये तीन चीजें तो दी जा सकती हैं। कल आपने देखा किस तरीके से मुझे सरप्राइज मिला, 8 days टू गो, एक रिमोट वाली कार, कैरम और वो सब, एंड देन उसके बाद मैंने शूट नहीं किया। देखो किस तरीके से यहाँ पे जो है वो आम खा रही है। तो फिलहाल आज है नेक्स्ट डे, और आज हम सोच रहे हैं कि अब कितनी भी गर्मी हो, कुछ भी हो, थोड़ा बहुत तो चंडीगढ़ एक्सप्लोर करना बनता है। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, बज चुका है कुछ 3:30 जो 4 कुछ ऐसा हो गया। और ये देखो ये नाश्ता नहीं कर रही है, ये सिर्फ आम खा रही है। क्यों मैंने इस बार बिल्कुल आम नहीं खाए क्योंकि डाबरे मैम आम खाने से मना करती हैं, तो इसलिए मैंने सोचा मुझे और कुछ चीटिंग नहीं करनी, मैं सब फॉलो करूंगी, बस मुझे आम खाने, इसलिए मैंने 2 किलो आम ला के फ्रिज में रख दिए। तो जब तक ये खाती है आम, फिर उसके बाद हम चलते हैं बाहर, और आज चंडीगढ़ को पहुंच गए शास्त्री मार्केट। यहाँ पे थोड़े से मेरे बाल जो है हवा में ख़राब हो गए थे, पानी लगा के उनको मैं सही कर रहा था। तो हाँ, शास्त्री मार्केट हम आए थे क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोगों ने कहा था कि अगर आपको कुछ लोकल शॉपिंग करनी है तो ये मार्केट बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा चलो कुछ देख लेंगे घर वालों के लिए, और आपको भी दिखा देंगे शास्त्री मार्केट कैसा है। आ रहे हैं शास्त्री नगर से ना, सेक्टर 22 से, वहाँ पे थोड़ी बहुत घर वालों के लिए हमने सूट्स वगैरह की शॉपिंग की, क्योंकि इस बार मैंने स्पेशली कहा था कि इस बार कुछ हैवी मत लाना, क्योंकि हैवी बहुत सारे अभी रखे हैं जो हम पहन नहीं पा रहे हैं, सिला नहीं पा रहे हैं, कुछ हल्के से लाइट हल्के फुल्के लेके, तो वो उन लोग के लिए लिए हैं। और अभी हम जा रहे हैं सदर बाज़ार, सदर बाज़ार सेक्टर 19 में, वहाँ देखते हैं क्या मिल सकता है। और मुझे पैटीज खानी है यार, यहाँ पे नहीं मिली मुझे जगह दिखी थी, लेकिन फिर हम बहुत उससे आगे आ गए, मैं नहीं ले पाया। कहाँ मिलेगी, कहाँ खिलाओगे? उधर ही मिल जाएगी, जहाँ खिलाओगे 19 में मिलेगी, 19 में खाएंगे, पैटीज खिला देंगे। कहाँ मिल जाएगी वहाँ पे? हाँ खिला देंगे, हाँ नंबर वन माल, उनको नॉलेज हो, अच्छी नॉलेज होती है ना? अच्छी क्या, सारी नॉलेज होनी होती है, बाकी तो होती नहीं किसी को। कहाँ से हो? चंडीगढ़। प्रॉपर चंडीगढ़? प्रॉपर चंडीगढ़।
सही है। नाम क्या है? राजकुमार। राजकुमार सारी ख्वाहिशें चंडीगढ़ में अपनी मिटाऊंगा। मैं पैकेज बचपन में इतनी खाया करता था मैं स्कूल कॉलेज टाइम पे। ये वैसी वाली सॉस है ना, केचप पैसा वाला। क्रीम रोल बहुत सालों बाद खा रही हूँ। इसी का तो मजा है, क्यों बचपन के जो दिन थे जिंदगी पैटीज कैसे मुंह में सांगे खा रहा है, दाढ़ी वाड़ी में लगा हुआ है। तूने पहले ही खा ली क्यों? सबसे पहले यहाँ पे मैं पोस्ट कर रहा था अपने सॉन्ग का पहला पोस्टर आहिस्ता आहिस्ता का। अब तक आपने इंस्टाग्राम में देखा होगा, नहीं देखा होगा तो प्लीज जाके देखिए, बताइए कैसा लगा। तो अभी हम जा रहे हैं सेक्टर 23 वापस, यहाँ पापा के लिए ट्रैक्स लेने थे। अभी हम जा रहे हैं वापस सेक्टर 23, और जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हमारे गाने इस बार जो है जल्दी आएंगे, तो पहले सॉन्ग का पहला पोस्टर जो मैं अपलोड कर चुका हूँ इंस्टाग्राम पे, तो प्लीज जाके देखिए। फिलहाल हम चलते हैं सेक्टर 23 और वहाँ पे कुछ खाएंगे चाट। यहाँ पे बहुत फेमस है गर्ग चाट सेक्टर 23 सी में, तो हम यहाँ पे आए हैं। शिवांगी शिवांगी हम गर्ग चाट आ गए। शिवांगी ने हमें बताया है, तो उसने बताया कि यहाँ पे गर्ग चाट जरूर जाना, तो हम वहाँ पे अभी आए हैं। देखते हैं क्या कुछ अच्छा मिलता है। ये है क्या? पता नहीं, मिक्स चाट है। ये क्या है? ये और दिन भर घूमने के बाद दिप्पी और धर्म दादा को लगी थी बहुत जोरों की भूख। आज उनका छोले भटूरे खाने का मन था, तो उन्होंने खाया, लेकिन मैंने नहीं खाया आज। मेरा मतलब बस एक बाइट लिया था, ज्यादा नहीं खाया। ये पीछे फोन तो चालू करके हो जाता है ना। हाय गाइस, तो आज है नेक्स्ट डे, और कल रात में आपने देखा किस तरीके से सेवेंथ डे 7 days टू गो का सरप्राइज मुझे मिला, एक जैकेट। एंड देन कल फिर पूरी रात मैं नहीं सोया हूँ, लिटरली मैं पूरी रात नहीं सोया हूँ, क्योंकि
इन लोगों ने जो मेरी आदत लगाई है ना, कल मैं मनी हाइस्ट मैंने अब तक देखा नहीं था, तो कल मैं उसके तीन चार एपिसोड पहले देख चुका, नहीं तीन चार सीजन पहले देख चुका था, नहीं सीजन बाकी था। हाँ तो चौथा पूरा निपटाया मैंने और पांचवे के आठ एपिसोड निपटाए, दो बचे हुए। तो साढ़े नौ दस बजे तक भाई जा गए, उसके पास सोई नहीं। साढ़े नौ दस नहीं भाई, 1 to 1, 1 to 1 घंटा, 1 बजे तक मैंने पूरा देखा है। वो बीच में हल्की सी आंख लगी पर फिर उठ गया क्योंकि बहुत ग्रिपिंग था। आप सबको ही पसंद होगा। तो बस अभी आज लास्ट डे चंडीगढ़ में, तो हम निकले घूमने के लिए। दीपिका पहले जा चुकी है, ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रही होगी वो, तो अभी हम निकलते हैं। चलिए तो अभी मैं पहुंच गया हूँ जहाँ पे दीपी है और अभी इस ब्लॉग को मैं करता हूँ एंड यहीं पे। ये भी दो दिन का ब्लॉग है, 8 days to go, 7 days to go, अब 6 days to go, क्या था वो आपको देखने मिलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में। देखो अभी हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे बैठे कुछ खा रहे हैं, जैसे मैं पूरी रात जागा हूँ, मैंने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया, तो अभी यहाँ पे स्टारबक्स में बैठ के मैं कॉफ़ी पीऊँगा, एक सैंडविच खाऊंगा एंड फिर हम उस हम घूमेंगे और फिर देखूंगा और क्या है आज के लिए, है कि नहीं। चलो जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग में, जब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए, जो मर्जी आप करिए, सही चीज़ गलत चीज़ नहीं, पहले उसको प्यार उनकी रिस्पेक्ट उनकी केयर कीजिए, उन्हें हद बताइए। और हाँ गाना बहुत जल्द रिलीज होगा, पोस्टर डाल चुका हूँ, देखिएगा बहुत अच्छा गाना है। मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहली बार किसी सॉन्ग में शोएब ने थोड़ा सा डांस किया है और बहुत अच्छा डांस किया है, तो बहुत मज़ा आएगा। यस, और इंशाल्लाह वो जल्दी आएगा। तो वही बिट मैं विनीत से बोलने वाली हूँ, मुझे वो बिट स्पेशली दे दो। चलो अल्लाह हाफिज़।